फैक्ट्री अस्पतालों का दूषित पानी और बायोमेडिकल वेस्ट को पानी में छोड़े जाने की वजह से कई लोग बीमार हो रहे हैं। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के अस्पताल परिसर में बने ट्रीटमेंट प्लांट से आसपास के कई लोगों को अब परेशानी होने लगी है। ये प्लांट हवा के साथ साथ पानी को भी दूषित कर रहा है। ये प्लांट करीब 10 साल पहले लगाया गया था। बिहार राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ प्लांट लगाने की परमिशन दी थी, लेकिन तब यहाँ आबादी के हिसाब से बहुत कम लोग थे। लेकिन अब आबादी बढ़ने की वजह से यहाँ लगा ये प्लांट लोगों की सेहत खराब कर रहा है। लोगों का कहना है कि ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत होती है। ये मेडिकल जो है वो कचरा और या और जो शारीरिक अवशेष वगैरह रहता है जो इसमें डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको जलाते हैं, जिससे जो है सो तरह तरह का गैस और वायु प्रदूषित हो रहा है और यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेट खराब हो रहा है, लोगों को वोमिटिंग होने लग रहा है, ये सब परेशानियाँ इससे हो रही है। और करीब यहाँ पर 1200-1300 घर की लोगों की आबादी है, वे सारे लोग इससे त्रस्त हैं और इस हवा से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। भिन्न भिन्न प्रकार के इसे गैस जो निकल रहे हैं वो शरीर के लिए हानिकारक है। ये बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल प्लांट है। यहाँ पे अपना गया डिस्ट्रिक्ट, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, इन सभी डिस्ट्रिक्ट का बायोमेडिकल वेस्ट आता है, जिसका हम ट्रीटमेंट और डिस्पोजल करते हैं। ये सब कवर्ड बैग्स में आता है हमारे पास, तो अलग अलग वेस्ट का अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिस्पोजल किया जाता है। जितना पानी हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर, वो सारा ATP प्लांट के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। उसमें केमिकल से पूरी तरह से उसको बार बार रिसाइकल करके हम अपने प्लांट में यूज़ करते हैं। उसको कोई भी पानी या कोई ऐसी चीज़ जो ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करे वो हमारे यहाँ से नहीं निकलती है। बता दें कि बिहार में बायोमेडिकल कचरे को नष्ट नहीं करने वाले अस्पतालों को राज्य सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गया से अजीत की रिपोर्ट।